जिला मंडी में पिछले कल 20 मई को हमारे पास जो टेस्टिंग है उसके रिपोर्ट के अनुसार 4 लोग यहाँ पर पॉजिटिव आए थे। ये 4 लोग हमारे 4 अलग उपमंडल से संबंधित है, एक उपमंडल थुनाग से, एक गोहर से, एक बल से और एक सदर से। इन चारों में से जो चारों के चारों है उसमें इनके सिम्टम्स थे और ये 2 लोग फ्लू ओपीडी में जोनल हॉस्पिटल में आए थे। जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि फ्लू ओपीडी में जितने भी लोग आते हैं सिम्टम्स लेकर उनके सैंपल्स कलेक्ट किए जाते हैं और उनके भी दोनों के सैंपल्स कलेक्ट करके नियर चौक मेडिकल कॉलेज में टेस्टिंग के लिए भेजे। साथ ही साथ जो तीसरी जो गोहर से लेडी है उसने भी, क्योंकि वो होम क्वारंटाइन में थी, बाहर से आई थी वो, तो वो काफ़ी दिन से होम क्वारंटाइन में थी, तो उसके भी बुखार वगैरह इस तरह से सिम्टम्स ने फ़ोन किया था तो उसके घर पर जाके उसका सैंपल पिकअप किया था। और जो चौथी लेडी जो बल से है, ये पहले ही नियर चौक मेडिकल कॉलेज में एडमिटेड थी बिकॉज ऑफ इलनेस, तो उनका भी वहाँ पर जैसे एडमिट थे तो वहाँ पर भी उनका सैंपल उठाया गया। तो ये 4 सैंपल्स हमारे पिछले कल पॉजिटिव आए हैं। इस सैंपल के बाद जो हमारा स्टैंडर्ड प्रोसीजर है वो हमने कर लिया है, जिसमें कि जिस एरिया से ये बिलोंग करते हैं उन पंचायत के एरियाज़ को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है, उसके सराउंडिंग एरियाज़ को बफर जोन हमने घोषित किया है और इसको जितना एफिशिएंट रख सकते हैं उतना एफिशिएंट रखा है। बहुत ज़्यादा एरिया उसमें नहीं लिया है, जितने गवर्नमेंट के नॉर्म्स है और जो डिफाइंड बाउंड्रीज है उसके अनुसार इनको एरियाज़ को आइडेंटिफाई किया है। सभी की प्राइमरी कॉन्टैक्ट लिस्टिंग हमने की है, जिसमें ऑन एन एवरेज हर व्यक्ति के 10 एक कॉन्टैक्ट्स हैं जिसमें कि फैमिली मेम्बर्स हैं और बाकी लोग हैं। तो उन सब के आज कल में हम सैंपल्स पिकअप कर लेंगे। जनरली हम थोड़ी देर बाद सैंपल्स पिकअप करते हैं, पर इस सिनारियों में क्योंकि इनमें से जो लोग हैं इनकी बहुत ज़्यादा ट्रैवल की हिस्ट्री हमें तक अभी तक पता नहीं चली है, इसलिए इनके हम सैंपल्स पहले ही पिकअप कर रहे हैं, क्योंकि अंदेशा ये लगाया जा रहा है कि शायद कोई और फैमिली का मेम्बर है जो कि शायद पॉजिटिव है और उनके वजह से ये लोग इन्फेक्ट हुए होंगे, संक्रमित हुए होंगे। तो इस कड़ी में इस तरह से हमने अभी एक्टिविटी की। जहाँ ये 4 लोगों की बात है उसमें जैसे मैंने कहा कि जो गोहर की एक लेडी आई थी वो जो हमें प्राथमिक सूचना मिली है वो ऊना से आई थी, उसको भी यहाँ पर आके 12-1 दिन हो गए थे और वो, क्योंकि पहले हमने रखा था कि जो ऊना और कुछ एरिया से लोग आएंगे उनको हम क्वारंटाइन में रखेंगे, इसके लिए उनकी पूरी परिवार, उनका पूरा परिवार आया था और पूरा परिवार उनका क्वारंटाइन में था। बाकी जो 3 केसेस हैं उनकी अभी कोई ट्रैवल हिस्ट्री हमें नहीं मिली है, उसकी जाँच चालू है, जिसमें कि पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से उनका कांटेक्ट हुआ हो। जहां एक युवक की बात है जो थुनाग उपमंडल से है, इसके ट्रैवल हिस्ट्री है पर ये कुल्लू जिला से आए हैं और वो काफ़ी पहले आए हैं, लगभग 1-1.5 महीना उनको हो गया आकर, और जब वो आए थे तब से वो अपने आप को, उन्होंने 14 दिन का क्वारंटाइन में अपने आप को रखा था और उसके बाद क्वारंटाइन पीरियड होने के बाद तो काफ़ी टाइम हो गया, तो मुझे लगता नहीं कि उसमें वो कुल्लू के ट्रैवल से कोई उसका ज़्यादा रिलेशन है। बाकी जानकारी हम ले रहे हैं कि इनका कांटेक्ट कहाँ किससे हुआ है क्या हुआ है, पर हमारे लिए जो मेन फोकस है वो जैसे स्टैंडर्ड प्रोसीजर भी होता है कि जो पॉजिटिव लोग आए हैं उन पॉजिटिव लोगों के जितने कांटेक्ट ट्रेसिंग है वो करनी है। जो प्राइमरी कांटेक्ट से वो हमने ट्रेस किए, हमारी टीम सभी डिटेल कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में जाएगी और बाकी हुए अगर कॉन्टैक्ट्स होंगे तो उसके भी हम लाइन लिस्टिंग करके उनके सैंपल्स आने वाले दिनों में पिकअप करेंगे। साथ ही साथ जो पूरा कंटेनमेंट जोन होगा वहाँ पर हमारा एक्टिव सर्वेलेंस होगा, जिसके लिए हमारी सर्वेलेंस टीम्स हर पंचायत में, हर वार्ड लेवल पे, हर गांव के स्तर पे टीम्स पहले ही घोषित हैं। ये टीम्स घर घर जाके हर व्यक्ति से पूछेंगे कि जो पॉजिटिव व्यक्ति आया उसके साथ किसी का पिछले 15 दिनों में कोई कॉन्टैक्ट तो नहीं हुआ है। इस तरह की सूचना पूरी कंटेनमेंट जोन की जाएगी और उसमें अगर कोई सिम्टोमेटिक है, कोई और लक्षण दिखाता है कोरोना वायरस के, तो उनके सैंपल्स भी पिकअप किए जाएंगे। इस तरह की पूरी प्रक्रिया हमारे आने वाले 3-4 दिन में की जाएगी और सैंपल्स के रिजल्ट्स आएंगे, उसके आधार पर हम आगे की कार्रवाई जो है कर लेंगे।